हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम दो नंबर के लड्डू गोपाल जी की ऐसी ड्रेस बनाना सीखेंगे। तो इस ड्रेस की जो वो ऑलरेडी मेरी चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इसके लिए मैंने चोली ऑलरेडी तैयार रखी हुई है, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम पहले तीन चेन्स लेंगे, उसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसी तरह से ये रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो चुकी है। ज्वाइन करने के लिए हम स्लिप स्टिच का यूज़ करेंगे। अब हमें चेन्स लेनी है, दो चेन्स ली है मैंने। उसके बाद उसी स्पेस में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में दो डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें एक पहले एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरे में दो डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे करते हुए हमें 12 चेन्स तक ऐसे ही करना है। ये 12 चेन्स इसलिए ली मैंने क्योंकि इसमें मेरे टोटल 36 चेन्स हैं, तो मैंने तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है। अगर आपकी कम या ज़्यादा हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करें। तो अब हम दो चेन्स लेंगे, उसी जगह पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी दो चेन्स ली थी, आपको याद होगा, फिर से मैंने दो चेन्स ली हैं। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। तो अब हमें वैसे ही करना है 12 चेन्स तक, एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में दो डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं ये 12 चेन्स तक कंप्लीट कर लूँगी। तो ये कंप्लीट करने के बाद हमें दो चेन्स लेनी है। उसी जगह पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे, फिर से दो चेन्स लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे, और सेम जैसे हमने पहले किया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में दो डबल क्रोशिया, ऐसे ही हम पूरी रो को इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा थर्ड पार्टीशन चल रहा है इस रो का, तो इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हो चुका है कंप्लीट। अब ज्वाइन करने के लिए दो चेन्स लेंगे, ज्वाइनिंग पॉइंट पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। आप सिंगल क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं, स्लिप स्टिच भी यूज़ कर सकते हैं। अब तीन चेन्स ली हैं मैंने। अब जो डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो पिछली रो में डबल क्रोशिया बनाया था उसी के ऊपर बनाएंगे। अब तीन चेन्स ली हैं मैंने, दो चेन्स छोड़कर तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक हमारी नेट या जाली कह सकते हैं इसे। तीन चेन्स लेकर दो चेन्स छोड़कर तीसरी में डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसा हमने तीन बार करना है। फिर से तीन चेन्स लेकर दो चेन्स छोड़कर तीसरी में डबल क्रोशिया। अब हम इस स्टिच में, इस चेन में वी स्टिच बनाएंगे। तीन चेन्स लेकर सेम जगह पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये वी शेप में बन गया हमारा। अब हमें जैसे हमने पहले तीन बनाए हैं नेट या जाली कह सकते हैं इसे, वैसे ही बनाने हैं तीन आगे।
ये देखिए हमारे तीन और बन चुके हैं। अब हमें तीन चेन्स लेकर ज्वाइन कर देंगे मिडल में। सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर दिया। अब तीन चेन्स लेंगे और वैसे ही रिपीट करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्टीशन में बनाया है। तो इसी तरह से ये रो हम कंप्लीट करना। अब हम वी स्टिच तक बनाते हैं, इसमें इस पार्टीशन में वी स्टिच तक बनाएंगे। ये देखिए ये तीन बॉक्सेस बन चुके हैं हमारे। उसके बाद हमें वी स्टिच बनाना है उसी जगह पर, मतलब तीन तीन के बीच में वी स्टिच आ जाएगा। अब फिर से वैसे ही रिपीट करना है। ये देखिए पूरा हो चुका है। फिर तीन चेन्स लेकर ज्वाइन कर देंगे मिडल में। सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर दिया। अब फिर से तीन चेन्स लेंगे और वैसे ही रिपीट करना है। जैसे हमने पहले बनाया है। तो ये देखिए ये इस तरह से दिख रहा है कुछ। ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद तीन चेन्स लेंगे हम और इसे स्टार्टिंग पॉइंट पर ज्वाइन कर देंगे। सिंगल क्रोशे से इसे मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम तीन चेन्स लेंगे, जो ये डबल क्रोशिया दिख रहा है पिछली रो वाला, उसके ऊपर ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जो ये स्पेस दिख रहा है, इसमें हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो प्रीवियस डबल क्रोशिया, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, स्पेस में चार डबल क्रोशिया। प्रीवियस के ऊपर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद चार बनेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो वी स्टिच में हमें पांच बनाने हैं, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहां तक मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ज्वाइन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बना देंगे। अब हमने तीन चेन्स लेनी है, मिडल में ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशे से। फिर से तीन चेन्स लेंगे और वैसे ही वो रो कंप्लीट करनी है जैसे हमने पिछले पार्टीशन में किया था। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और सेम जैसे हम पहले बनाया है। तो ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक चेन ले लूँगी और धागे को कट कर लूँगी। ये मेरा धागा कट हो चुका है, हमें इसे इसमें से निकाल लेना है और टाइट कर देना है। इस धागे को हम पीछे हाइड कर देंगे। हाइड करना मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी हुआ है।
तो अब हम दूसरा ग्रे कलर ले लेंगे। यहाँ पर मैंने तीन चेन्स ली हैं। इसके पीछे से जो ये पिछली रो में हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, हमें हुक पीछे से इंसर्ट करना है, इसे बैक पोस्ट कहते हैं। तो अब हमें हर डबल क्रोशिया में एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। पीछे से चेन में इंसर्ट नहीं करना है, पीछे से जो ऑलरेडी बने हुए हैं डबल क्रोशिया उनके ऊपर ही बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो इसी तरह से जो ये पार्टीशन है हमारा, मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है ये। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। मेरे एक पार्टीशन में ये पूरे बन चुके हैं। अब तीन चेन्स लेंगे, इसके मिडल में ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशे से। तीन चेन्स लेकर पहले पार्टीशन की तरह ही इसे रिपीट करना है। बैक पोस्ट बनेंगे हर डबल क्रोशिए में, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से मैं अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मेरी पूरी रो कंप्लीट हो गई थी। अब जो चोली का हमारा ओपनिंग पोर्शन था और जो बाजुओं में स्पेस था, उसे हमने सिंगल क्रोशिए से उसकी बॉर्डर लाइन बना लेनी है। सिंपल इसमें सिंगल क्रोशिए का यूज़ करेंगे हम। तो ये देखिए मैंने बना लिया था और ये हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक या शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।